हांसी की वर्षा बुमार अब देश की सुपर मॉम्स बन गई हैं। जी हां, टीवी पर प्रसारित होने वाला डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स का तीसरा सीजन सुपर हिट साबित हुआ। वहीं ग्रैंड फिनाले में इस सीजन की ट्रॉफी हांसी के रहने वाली वर्षा बुमार ने जीती। जीतने के बाद सोमवार को हांसी पहुंचने पर लोगों ने वर्षा का भव्य स्वागत किया। वर्षा बुमराह के स्वागत लोगों ने गुलाल उड़ाकर किया। जैसे ही वर्षा हांसी पहुंची तो वहां पर लोगों ने पहले तो वर्षा को सर आंखों पर बैठाया और फिर विजय यात्रा निकालकर अपनी खुशी जाहिर की। वर्षा बुमराह ने शुरू से आखिर तक अपने डांस परफॉर्मेंस से जज से लेकर ऑडियंस तक को हैरान कर दिया था। उन्होंने सभी कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ अपने सिर पर डीआईटी सुपर मॉम्स का ताज अपने सिर पर सजाया। अपनी इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहना है सुपर मॉम्स वर्षा का, सुनिए। उम्मीद करते हैं सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जनता को उतना प्यार, जनता उतना प्यार मुझे देती रहे जो अभी तक मिल रहा था मुझे। आपने हथियार क्या बनाया था कि हथियार के लिए किसके थ्रू किस सर? इसमें सिर्फ मेरे डांस का ही हो रहा है सबसे ज्यादा, कि मैं मेरे डांस से जितना लोगों को जागरूक कर सकती हूँ उतना करूँ। क्योंकि मैं हरियाणा को बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए, अपनी बहुओं को सपोर्ट कीजिए। वर्षा बुमराह ने अपने घर पहुंचते ही लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वो जनता के प्यार की वजह से ही इस मुकाम को हासिल कर पाई हैं। बता दें कि ग्रैंड फिनाले में वर्षा को ट्रॉफी के साथ 7.5 लाख रुपए प्राइज मनी मिला। आप जानकर हैरान होंगे कि वर्षा एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन में 400 से 500 रुपए कमाती थी। उन्होंने मजदूर से लेकर डांस शो के स्टेज तक का सफर बहुत मुश्किल से पूरा किया। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब के टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।